नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी G7 के लिए इटली गए, इसको लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर कड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहीं भी G7 को संबोधित नहीं किया, ये ऐसा है जैसे वो एक शादी में गए और बाद में दावा किया कि वो दूल्हा थे। उन्होंने कहा कि उनको G7 की कार्रवाई देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि भारत G7 समूह का मेंबर नहीं है। फिर वो गए क्यों? हमें झांसा देने के लिए कि उन्हें शीर्ष सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। ये एक शादी में जाने और बाद में ये दावा करने जैसा था कि वो दूल्हा थे। इसके बाद उनके ट्वीट को शेयर कर मोहम्मद जुबर ने लिखा है, ये स्वामी का पैरोडी अकाउंट नहीं है। क्या दिन रात नफरत और जहर उगलते लोगों और नेताओं पर UAPA के तहत कार्रवाई हुई? लेकिन लोकतंत्र के लिए जरूरी माने जाने वाले विरोध की आवाज़ के तौर पर मुखर रही अरुंधति रॉय पर अब सख्त UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी है। अरुंधति रॉय मोदी सरकार की मुखर आलोचक रही हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शुक्रवार को लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय के खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अरुंधति राय के खिलाफ UAPA लगाने को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा यह पुराना मामला है जिसे अभी उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा यह 2010 का मामला था। मैं ये कहूंगी जो जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा वो गलत है। जम्मू और कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है और कोई भी इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि 2010 का ये मामला है, 10 साल में केंद्र में मोदी सरकार थी, वही मोदी जी, वही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाएंगे, लाल लाल आंखें दिखाई हैं, वो इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों थे? 10 साल के बाद जब गठबंधन सरकार बनी है, कम मोहम्मद की सरकार बनी है, उस पर कार्रवाई की बात करते हैं तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फैसला है, ना कि एक सही फैसला जो देश के हित में हो। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की नज़र अब जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा है कि पार्टी हरियाणा में सरकार बना सकती है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से काफ़ी कम वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ये सपना पूरा होने में राज्य के कांग्रेस नेता ही सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि राज्य कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है और चुनावी नतीजों के बाद ये खुलकर सामने आ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि अगर पार्टी में टिकटों का बंटवारा सही ढंग से हुआ होता तो हरियाणा में कांग्रेस सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती थी, यानी उन्होंने टिकट बंटवारे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि हरियाणा में 5 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन उसका ये प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफ़ी अच्छा है जब वो राज्य में कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बन गई है। अब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होना है जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष स्पीकर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वो स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बता दें विपक्षी पार्टियां पहले ही कह चुकी हैं कि इस बार सदन में BJP की मनमर्जी नहीं चलेगी। मालूम हो कि इस बार लोकसभा में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन 234 सांसदों के साथ सशक्त होकर सदन में नजर आएगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि RSS और नरेंद्र मोदी के बीच घमासान चल रहा है। चुनाव के बाद से NDA गठबंधन में खींचतान और BJP के अंदर मोदी के नेतृत्व को लेकर असंतोष की चर्चा के बीच अब RSS और उनके बीच का अंतर्द्वंद भी खुलकर सामने आ गया है। इसके साथ ही मोहन भागवत के द्वारा कहे गए वक्तव्यों का भी जिक्र किया है और फिर इंद्रेश कुमार ने जो कहा है वो भी बताया है और कहा है कि RSS ने लाखों करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों के लिए भी साफ संदेश दे दिया है कि भगवान राम ने हाथ खींच लिया है, अब सच्चे राम भक्त और सच्चे हिंदू भी मोदी और BJP से हाथ खींच लें। सुप्रिया सुले ने कहा कि RSS के सबसे करीबी नितिन गडकरी के कुछ दिन के रुख हाव भाव और बिना RSS के इशारों के संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि BJP खेमे में सन्नाटा क्यों है। उन्होंने कहा कि RSS ने नरेंद्र मोदी पर अहंकारी, मर्यादा को लांघने, सेवक के गुण से विहीन हो, प्रभु राम द्वारा दंडित किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए, लेकिन BJP की ओर से सुई टपक सन्नाटा क्यों है। उधर TV वाले बेचारे सार्वजनिक आरोपों का खंडन सूत्रों के माध्यम से करने के लिए बाध्य हैं, पर देखते जाइए ये द्वंद्व थमने वाला नहीं है। RJD के नेता मनोज झा ने कहा है कि BJP और RSS के बीच पोजीशन की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा है कि देश को इसमें समय नहीं खपाना है, देश और विपक्ष को ये तय करना है। 10 साल बाद आर्थिक मुद्दे उभर कर सामने आए हैं, उस पर बात करो।
अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करो। बता दें आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बाद आरएसएस के बाकी लोग भी मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आरएसएस नेता नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। शरद पवार ने आज पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा है कि जहां जहां मोदी ने रैली की थी वहां पर महाविकास अघाड़ी को जीत ली है, ऐसे में एक धन्यवाद उनका भी बनता है। बता दें इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका देने का काम हुआ है। इस चुनाव में 48 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के खाते में 31 सीटें गईं, वे एनडीए को सिर्फ 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी साथ में ही चुनाव लड़ने वाला है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी पहली बैठक हुई। इस बैठक में हमने फैसला लिया है कि राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव भी हम सभी एक साथ मिलकर लड़ेंगे। काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई नेता उद्धव ठाकरे के गुट में आ सकते हैं। अब इस पर ठाकरे ने जवाब दिया है। शिंदे खेमे से नेताओं की वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे छोड़ दिया उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि एलजी ने कश्मीर के लिए आज़ादी की वकालत करने के आरोप पर अरुंधति रॉय के खिलाफ 14 साल पुरानी एफआईआर पर यूएपीए आतंकी कानून के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी है। भूषण ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने 2024 की हार से कुछ नहीं सीखा है। भारत को तानाशाही और बनाना रिपब्लिक बनाने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित है। फातिमा खान ने द क्विंट में एक लेख लिखा है और कहा है कि मुस्लिम और दलित वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण अक्सर वोट बैंक के रूप में किया जाता है, लेकिन एक वोट बैंक है जिस पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, वो है कथित ऊंची जाति के हिंदू। उन्होंने कहा कि डेटा से पता चलता है कि उच्च जाति के हिंदू 2024 के चुनावों में बीजेपी और एनडीए के पीछे मजबूती से एकजुट है। उन्होंने लेख में बताया कि सीएसजीएस लोकनीति के सर्वे के अनुसार 60% उच्च जाति के वोटर्स एनडीए के पीछे एकजुट हुए। इन 60% में 53% भाजपा के पीछे और 7% भाजपा के सहयोगियों के पीछे रहे, यानी कुल 60%। ये लगभग 2019 के चुनाव जैसा ही है। कुछ राज्यों में ये एकजुटता और भी अधिक रही, जैसे मध्य प्रदेश में जहां भाजपा ने राज्य की सभी 25 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया, वहां तो 72% ऊंची जाति के हिंदुओं का समर्थन मिला। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा है। उन्होंने दिवंगत कांग्रेसी मुख्यमंत्री के करुणाकरन को भी साहसी मुख्यमंत्री कहा। गोपी ने कहा वो इंदिरा गांधी को भारत की मां मानते थे, इसलिए करुणाकरन उनके लिए राज्य में कांग्रेस पार्टी के पिता थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा को उनकी मानहानि के मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं यानी रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को उनके ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रजत शर्मा ने अपने कार्यक्रम में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राखिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन टीवी पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अजय शर्मा ने नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। मध्यप्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने राज्य सरकार को एक सुझाव दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि मदरसों में पढ़ रहे हिंदू छात्रों को तत्काल सामान्य स्कूल में भेज दें। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा ये मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, यहाँ बुनियादी ढांचे का अभाव है और ऐसे में बच्चों को यहाँ सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और इन संस्थानों में आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य बुनियादी ढांचे का अभाव है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 9 करोड़ 3 लाख लाभार्थियों के लिए 20,000 करोड़ से अधिक की राशि वाली पीएम किसान योजना की 70वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी वैभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी है। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। नीट परीक्षा धांधली के तार अब गुजरात से भी जुड़ गए हैं।
छात्रों को नीट यूजी परीक्षा पास करने में कथित तौर पर मदद करने की कोशिश करने के आरोप में गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा शहर में जलाराम स्कूल के स्कूल प्रिंसिपल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। पुलिस ने इसे पे फॉर पास नाम दिया है। ये मामला उस समय सामने आया है जब नीट यूजी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि लोगों ने मोदी सरकार को अल्पमत में डाला है। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद कई बार खिचड़ी सरकार का जिक्र किया है। वो कहते थे कि अगर विपक्ष के पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार कभी भी गिर जाएगी और बिना बहुमत कोई बड़े फैसले भी नहीं ले सकते। खड़गे ने शुक्रवार को कहा था, एनडीए की सरकार गलती से बनी हुई है, मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, ये अल्पमत सरकार कभी भी गिर सकती है। इसी बयान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ये सब नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है और उन्हीं की बोली गई बातें मैं दोहरा रहा हूँ। बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज यात्रा चल रही है। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा, पीएम मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने बिहार का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता में अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के पैर छुए हैं। प्रशांत ने दावा किया कि वो नीतीश कुमार की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं उनकी अंतरात्मा बिक चुकी है। जब वो नीतीश कुमार के साथ काम करते थे उस समय नीतीश कुमार एक अलग व्यक्ति थे। मोदी सरकार अब ब्रॉडकास्ट और डिजिटल माध्यमों के पीछे पड़ गई है जिससे प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ गई है। केंद्र सरकार प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, प्रेस पंजीकरण अधिनियम 2023 और IT संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों के तहत मीडिया पर शिकंजा कसने जा रही है। यह कानून मोदी सरकार को किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने का अधिकार देते हैं जिससे वो गलत या भ्रामक मानती है। इसका सबसे बड़ा नतीजा सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को भुगतना होगा। हालांकि इस कानून के पास होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा कि वो पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर के कंटेंट को हटाएं। तमाम पत्रकार संघों और डिजिटल अधिकार संगठनों ने प्रस्तावित कानून को वापस लेने की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि उस प्रस्तावित कानून का मकसद प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाना है। पत्रकार संगठनों ने कहा कि सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के जरिए RTI कानून को कुचलना चाहती है। RTI के जरिए जनता के तमाम लोग और पत्रकार महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने तो पिछले साल अगस्त में ही प्रेस पंजीकरण एक्ट में किए जा रहे बदलावों पर आपत्ति जता दी थी। देश में तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू हो जाएंगे। लागू किए जाने वाले कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 शामिल हैं। तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता यानी IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की। इस द्विपक्षीय वार्ता में दोनों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों ने भारत और इटली के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने को लेकर भी बात की। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व पर प्रधानमंत्री मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे थे। भारत G7 का हिस्सा नहीं है लेकिन उसे अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में आउटरीच शिखर सम्मेलन में आमंत्रित G7 देशों और अन्य देशों के नेताओं से कहा कि भारत के चुनाव नतीजे लोकतांत्रिक दुनिया की जीत थे। इसके साथ ही उन्होंने EVM तकनीक के उपयोग की सराहना की। कर्नाटक राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने पेट्रोल 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है जबकि डीजल के दाम में 3.02 रुपये का इजाफा किया है।